अलीशा नबी के बाद खुदावन ने और नबी जैसे कि यसाया, यर्मिया और आमोस को बरपा किया, जो लोगों को बुतपरस्ती और गुनाह से मोड़कर खुदावन की तरफ ले आते। खुदावन ने इन नबियों के ज़रिए कलाम किया और उनको आने वाली बातों के बारे में सारी पेशनगोईयां लिखने के लिए इस्तेमाल किया। यसाया मुख्तलिफ बादशाहों मसलन उज़िया, योताम, आखेज़ और हिज़किया के दौर में नबी था, तकरीबन 760 से 700 कब्ल मसीह। खुदावन ने यसाया नबी के ज़रिए कलाम किया। मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन बनी इसराइल मुझे नहीं जानती। तुम एक गुनाहगार कौम हो, बदकारी से लदे हुए लोग, बदकारों की नस्ल। अगर तुम अपने बुरे कामों को दूर करोगे और मजलूमों की मदद करो, यतीमों की देखभाल करो और बेवा औरतों के हामी हो, तो मैं तुम्हें बहाल करूंगा और शफा दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी तरफ नहीं मुड़ोगे तो तुम तलवार से छेदे जाओगे, तुम्हारी सारी जमीन उजड़ जाएगी और तुम्हारे शहर आग से जल जाएंगे, और वो तुम्हारे सब बेटों को बाबल को ले जाएंगे और वहाँ वो बादशाह के महल में ख्वाजा सरा बनकर खिदमत करेंगे। यर्मिया, यसाया, यहकीम और सिदकिया बादशाह के दौर में नबी था, तकरीबन 630 से 590 कब्ल मसीह। उसने कहा, खुदावन ने फरमाया है, देखो मैं तुमको हयात की राह और मौत की राह दिखाता हूँ। जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, लेकिन जो निकलकर कुसदियों में जो तुमको घेरे हुए हैं चला जाएगा वो जिएगा, लेकिन वो बाबल में गुलाम बनकर रहेगा। क्योंकि मैंने इस शहर का रुख किया है कि इससे बुराई करूं, खुदावन फरमाता है, वो शाह बाबल के हवाला किया जाएगा और वो इसे आग से जलाएगा। खुदावन ने यर्मिया के जरिए कलाम किया और फरमाया, और मैं आप अपने बढ़ाए हुए हाथ से और कुव्वत बाजू से तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, हाँ कहरो गजब से बल्कि कहरे शदीद से, और मैं इस शहर के बाशिंदों को यानी इंसान और हैवान दोनों को मारूंगा, वो बड़ी वबा से फना हो जाएंगे। और खुदावन फरमाता है, फिर मैं शाह यहूदा सिदकिया को और उसके मुलाजमों को और आम लोगों को जो इस शहर में वबा और तलवार और काल से बच जाएंगे, शाह बाबल नबूकदनेस्सर और इनके मुखालफों और जानी दुश्मनों के हवाले करूंगा, और वो इनको तहे तैग करेगा और ना इन्हें छोड़ेगा और ना इन पर तरस खाएगा और ना रहम करेगा। मेरा कहर आग की तरह भड़केगा और कोई भी इसे ठंडा ना कर सकेगा। वो तुम्हें गुलाम बनाकर बाबल ले जाएंगे और तलवार के साथ मारेंगे। बहुत लोग जो बाबल को जाएंगे मर जाएंगे और वहीं दफन होंगे। आमोस, उज़िया और यारोबाम दोयम बादशाह के दौरे हुकूमत में नबी था, तकरीबन 756 से 750 कब्ल मसीह। खुदावन ने आमोस नबी के जरिए कलाम किया। तुम्हारी औरतें गायों की तरह हैं, जो चाहती हैं कि इनके शोहर इनके पीने के लिए कसरत से लेकर आए। तुम अब और ज्यादा अपने शोहरों को नहीं दबाओगे। तुम्हें आंकड़े डालकर और गुलाम बनाकर बाबल को ले जाया जाएगा। तुम महंगे फर्नीचर पर लेटते और चर्बी के साथ भरे हुए लजीज खाने खाते हो। तुम ज्यादा मैप पी कर मौसीकी सुनते हो। तुमने रास्तबाजी को जमीन पर फेंक दिया है। तुमने गरीबों को पांव तले रोंदा, रास्तबाजों पर जुल्म किया, रिश्वतें ली और गरीबों के साथ नाइंसाफी की। तुम ताकिस्तान लगाओगे लेकिन तुम्हारे दुश्मन इसकी मैं पिएंगे। तुम्हारी फौज तबाह हो जाएगी और तुम एक अजनबी जमीन पर गुलाम बन कर जाओगे। खुदावन फरमाता है, मैं बैतल के मजबे डालूंगा और तुम्हारे जमस्तानी घरों के साथ तुम्हारे ताबस्तानी घरों को भी तबाह करूंगा। तुम गरीब पर जुल्म करते, रिश्वत लेते और जरूरतमंदों को पीसते हो। मैंने बारिश रोक ली, काल और वबा भेजी, लेकिन फिर भी तुम तोबा ना करोगे। तुम और मैं बनाने के लिए ताकिस्तान लगाते हो, पर तुम इनमें से कुछ भी ना पियोगे। अम्मी, मैं भूखी हूँ। 753 कब्ल मसीह। होसिया, उज़ाया, हिज़किया,
योताम और आखिज बादशाह के दौर में नबी था, तकरीबन 758 से 725 कब्रज मसीह। उसने पेशनगोई की, इसराइल तलवार से गिर जाएगा, इनके बच्चे जमीन पर पारा पारा हो जाएंगे और बारदार औरतों के पेट चाक किए जाएंगे। वो दिन आएगा जब खुदा इसके गुनाह मुआफ करेगा और इसराइल के साथ किशादा दिल के साथ मोहब्बत रखेगा। इसराइल एक दफा फिर सोसन की तरह फूलेगा और जैतून के दरख्त की तरह बढ़ेगा और लबनान के देवदार की तरह इसकी खुशबू होगी। आने वाले दिनों में बाबल के बाद तुम कौमों के दरमियान तितर बितर हो जाओगे और वहां वो तुम पर जुल्म करेंगे, तुम्हारी जायदाद ले लेंगे और तुम्हें आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। ये सब कुछ ले रहे हैं, ये हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? इसके अच्छे दाम मिलने चाहिए। मुझे यहूदियों को जाते हुए देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, ये लोग हमारे काफी काम आए हैं। अम्मा, हम रहने के लिए कहाँ जा रहे हैं? इसमें लिखा है कि सारे यहूदी 3 दिन के अंदर इस मुल्क से निकल जाएं। इस तस्वीर के मुताबिक सारे यहूदियों को ये मुल्क छोड़ना है और तुम अपने साथ कोई मालूम मुताबिक नहीं ले जा सकते। मैं हमेशा से ये गाय लेना चाहता था। क्योंकि बनी इसराइल ने खुदा के कलाम को रद्द किया था, इसलिए वो जमीन की सारी कौमों के दरमियान बिखर गए। लेकिन उन्हें उस वक्त तक सुकून ना मिलता जब तक खुदावन उनको उनके बुजुर्गों की जमीन पर वापस ना भेज देता। इसराइल की सारी जमीन सुनसान हो जाएगी और तुम बाबल के बादशाह की 70 बरस तक खिदमत करोगे, लेकिन 70 बरस के बाद मैं बाबल को इसकी शरारत की सजा दूंगा और लोगों का एक बकिया इस जमीन पर वापस लाऊंगा ताकि वो इसे फिर तामीर करें। यरूशलम इस हद तक फरामोश कर दिया जाएगा कि वो खेत की तरह जोता जाएगा। ये पेशनगोई पूरी हुई, दुश्मनों ने वाकई यरूशलम को जोत दिया। लेकिन आखिरी दिनों में हैकल फिर तामीर की जाएगी और इसमें लोग जोक दर जोक आएंगे। मिकाया नबी, जो 750 से 686 कब्ज मसीह तक जीता रहा, उसने ये पेशनगोई की। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, और यकूब के खुदा के घर में दाखिल होंगी और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम इसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदा का कलाम यरूशलम से सादर होगा और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपने फालों को हंसुए बना डालेंगे। कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और इनको कोई ना डराएगा, इसलिए कि रब्बुल फवाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है। और हम खुदावंद अपने खुदा के नाम में अब्दुलाबाद तक चलेंगे। खुदावंद ने फरमाया, इस दिन मैं उसको जिसे हांक दिया गया था इकट्ठा करूंगा और मैं इसे जोर आवर कौम बनाऊंगा और खुदावंद सिय्योन के पहाड़ पर अब से अब्दुलाबाद तक इन पर सल्तनत करेगा। यर्मिया ने पेशनगोई की। सिदकिया बादशाह ने खुदावंद की निगाह में बड़ा गुनाह किया है, वो मारा नहीं जाएगा, वो बाबल को जाएगा जहां वो अपनी बाकी उम्र अपने लोगों के साथ गुजारेगा, लेकिन वो अपनी आंखों से बाबल को कभी ना देखेगा, वो अंधा हो जाएगा। तुम बाबल में 70 बरस तक रहोगे। 70 बरस के आखिर में शमाल से एक फौज बाबल पर हमला करके इसे फतह करेगी और हमारे लोगों का एक बकिया इस जमीन पर वापस आएगा ताकि इस शहर और हैकल को दोबारा तमीर करे। अदालत के बाद खुदावंद इनके गुनाह बख्श देगा और यरूशलम आने वाली तमाम नस्लों तक बसा रहेगा। इस किताब को अपने साथ बाबल को ले जाओ और इसे वहां लोगों के सामने पढ़ना। इन्हें मालूम हो कि वापस आने से पहले इन्हें क्या कुछ बर्दाश्त करना है। मैं दाऊद के तख्त को बहाल करूंगा और तुम वापस आओगे
और अपनी जमीन हासिल करोगे। हिजकीएल ने पेशनगोई की, वो अक्वाम में परागंदा हो जाएंगे, लेकिन जिस खुदावन ने इन्हें तितर बितर किया वही आखिरकार इन्हें इस जमीन पर वापस ले आएगा। खुदावन ने इब्राहिम से वादा किया था, ये जमीन हमेशा के लिए उसकी नस्ल के लिए मेरास के तौर पर होगी और वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। अगर लोग गुनाहगार हों तो खुदावन इन्हें कौमों की असीरी के लिए भेज देगा, जहां वो अजनबी खुदाओं की इबादत करेंगे, लेकिन आखिरकार वो इन्हें वापस लौटा लाएगा। मिस्र की भी अदालत बाबल करेगा और 40 बरस तक मिस्र उजाड़ रहेगा। बाबल से आने के बाद मिस्र कभी भी इतना अजीम नहीं रहेगा जैसे वो पहले दिनों में था, लेकिन वो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। और बाद के दिनों में मिस्र और असूर मेरे लोगों यानी बनी इसराइल के साथ तीन तरफा अमन मुआहदे में शरीक होंगे और मैं इनको बरकत दूंगा। फलस्ती तबाह हो जाएंगे और बाकी ना बचेंगे। बिल्कुल इसी तरह अशदूद, अकरून और अमून भी बाकी ना बचेंगे। अदूम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, सूर बर्बाद हो जाएगा और इसके सारे पत्थर और लकड़ियाँ समुंदर में फेंक दी जाएंगी। ये फिर कभी आबाद ना होगा और इसकी ज़मीन चट्टान की तरह हमवार होगी। ये माहीगीरों के लिए जाल फैलाने की जगह होगी। लेकिन फारस, तोबल, कूश और फूत आखिर तक बाकी रहेंगे और जब वो इसराइल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त इसराइल के पहाड़ों पर मर जाएंगे। बाइबल हमेशा से बहुत सी पेशनगोइयों में दुरुस्त साबित हुई है। जिन शहरों और कौमों के बारे में ख़त्म होने और कायम रहने के लिए पेशनगोइयां हुई थीं, बिल्कुल उसी तरह हुआ। वो कौमें जिन्होंने आखिर तक बर्दाश्त करना था आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। 605 कबल मसीह में बाबल ने इसराइल को फतह कर लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि नबियों ने पेशनगोइयां की थी। 5000 से ज़्यादा यहूदी जंगी कैदी बनाकर बाबल पहुँचाए गए। वो जवान और पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए। उन्हें उम्मीद थी कि सल्तनत की खिदमत के लिए ये कारआमद साबित होंगे। उनमें एक जवान आदमी जिसका नाम दानियल था आया। उसने हमेशा शरीयत के अहकाम का लिहाज रखा और इब्राहिम के खुदा की फरमाबरदारी में चलता रहा। ऐ खुदाया, हमें हमारे बुजुर्गों के गुनाहों की सज़ा मिली है। अपनी शरीयत की पैरवी करने के लिए हत्ता के इस अजनबी ज़मीन पर भी हमारी मदद कर। दानियल गैर ज़मीन पर एक कैदी था, लेकिन उसने अपने खुदावंद के साथ वफादार रहने का फ़ैसला किया। उसे पकड़ने वाले लोगों ने महसूस किया कि उसमें एक नेक रूह है, इसलिए उन्होंने उसे बाबल के अक्लमंद आदमियों में एक ख़ास मकाम दिया। ऐ आसमान और ज़मीन के खुदा, कायनात के बादशाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे लिए ज़मीन की पैदावार में से रोटी मुहैया की। बाबल का बादशाह नबूकदनज़र एक गैर मामूली ख्वाब से जाग गया। इसका क्या मतलब है? यकीनन ये ख्वाब देवताओं की तरफ से मुस्तकबिल जाहिर करने के लिए भेजा गया है। तुम सब अकलमंद आदमी हो, तुम्हारा दावा है कि देवता तुम्हें बातें बताते हैं। अब मुझे बताओ कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है और इसका क्या मतलब है। लेकिन हम आपको कैसे ख्वाब का मतलब बता सकते हैं जब तक कि आप हमें ख्वाब नहीं बताएंगे? देवताओं के सिवा और कोई ये नहीं कर सकता। मुझे मालूम था कि तुम सब धोखेबाज हो, देवता तुम्हारे साथ कलाम नहीं करते। तुम सब अपने खानदानों के साथ कत्ल किए जाओगे और तुम्हारे घर गंदगी के ढेर बन जाएंगे। दानियाल, मुझे अफसोस है कि कल सुबह तुम और बाबल के सारे अकलमंद आदमी मार दिए जाएंगे। बादशाह अपने कहानों पर यकीन नहीं करता है। लेकिन यहोवा खुदा बादशाह का ख्वाब और इसकी तबीर जाहिर कर सकता है। मुझे दुआ के लिए किसी मुकाम पर अकेला जाना होगा, उससे एक दिन के इंतजार की दरख्वास्त करो। खुदावंद, तू ही वाहद खुदा और सारी कायनात का बादशाह है। मेहरबानी के साथ अपने खादम को वो बातें बता जो होने वाली हैं। तेरे जैसा और कोई खुदा नहीं। दानियल, जल्दी मुझे बादशाह के पास ले जाओ। अगर तू बादशाह को उसका ख्वाब ना बता सका तो वो मुझे भी उसी वक्त मरवा देगा। ऐ बादशाह, तू तमाम बादशाहों का बादशाह है,
क्योंकि आसमान के खुदा ने तुझे ऐसा बनाया है। इसने तुम्हें रोया दी है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मेरा वक्त जाया ना करो, तू मुझे मेरा ख्वाब बता सकता है कि नहीं। बरहक खुदा, कायनात के खालिक ने तेरा ख्वाब तेरे खादम पर जाहिर किया है। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत को ख्वाब में देखा। ये मूरत तेरी और तीन और सल्तनतों को जाहिर करती है जो बाद में आएंगी। ये बिल्कुल सच है, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। तेरा खुदा ही वाहद खुदामंद है। तू ही ये सोने का सर है, सारे बादशाहों का बादशाह। इससे पहले कि तू यहूदा को फतह करता, हमारे नबियों ने हमें बताया था कि खुदावंद हमारे गुनाहों की सजा देगा और फिर तुम्हें सल्तनत देगा। अब तेरा दौरे हुकूमत बहुत शानदार होगा। चांदी की छाती एक और सल्तनत को जाहिर करती है जो मादियों और फारसियों की है। जब तू मर जाएगा, इसके बाद वो बाबल को फतह करेंगे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे जिस तरह के तूने की है। ऐ बादशाह, सोने के सर और चांदी की छाती के बाद तूने तांबे का शिकम देखा। ये तांबा तीसरी सल्तनत को जाहिर करता है जो यूनानियों की है। ये फारस के बाद आएगी और ये बहुत तेज और हैबतनाक होगी। चौथी सल्तनत बाकियों से मुख्तलिफ होगी। उसकी टांगें लोहे की होंगी और ये बहुत सी कौमों को कुचले और टुकड़े टुकड़े करेगी। लेकिन तूने ये देखा कि लोहे के पंजों में मिट्टी मिली हुई है। आखिरी दिनों में ये सल्तनत 10 हिस्सों में तकसीम होगी और कमज़ोर हो जाएगी। ऐ बादशाह, फिर तूने एक पत्थर देखा जो कि पहाड़ से काटा गया था, लेकिन वो इंसान के हाथों से नहीं काटा गया था। वो पहाड़ से नीचे लुढ़का और मूरत के पांव में आकर लगा और सब सल्तनतों को एक लम्हे में तबाह कर दिया। वो पत्थर खुदा के बेटे को जाहिर करता है जो ज़मीन पर आएगा और एक पुरजलाल बादशाहत कायम करेगा। ज़माने के आखिर में तमाम मुर्दे अदालत के लिए उठ खड़े होंगे। जिन्होंने बुरे काम किए शर्मिंदा और हमेशा के लिए पशेमान होंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हमेशा की जिंदगी पाएंगे। बेशक जो कुछ तू कह रहा है खुदावंद की तरफ से है। मेरे ख्वाब की हर तफसील इतनी अच्छी तरह कौन बता सकता है। मैं तुझे तमाम अकलमंद आदमियों पर हुक्मरान बनाऊंगा। दानियल 68 बरस तक बाबल में रहा। उसने बहुत से ख्वाबों की ताबीरें बयान कीं और बहुत दफ़ा मुस्तकबिल के बारे में पेशनगोइयां कीं। उस दौरान नबूकदनेज़र बादशाह मर गया और उसके बेटे बेलशज़र ने उसकी जगह ली। एक रात जब बेलशज़र मैनोशी की दावत में बैठा था, एक पुरसरार हाथ जाहिर हुआ और उसने दीवार पर लिखा। दानियल को उसकी तफसीर के लिए बुलाया गया। खुदावन ने उसको उस नामालूम जुबान की समझ दी। ऐ बादशाह, तूने खुदावंद का गुनाह किया है। जिस तरह नबियों ने पेशन गोइयां की थीं, आज रात तुझसे सल्तनत ले ली गई है और मादियों और फारसियों को दे दी गई है। नबियों ने पेशन गोइयां की थीं कि ये दुश्मन दूर दराजों में से, जिनसे शहर में पानी दाखिल होता है, राजदारी के साथ दाखिल होकर बाबल फतह करेंगे। बाबली इस हद तक नशे में धुत होंगे कि उन्हें मालूम भी ना होगा। तारीख बयान करती है कि बाबल का ज़वाल बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। जब मादियों और फारसियों ने बाबल को फतह कर लिया, इसके बाद दानियल को एक पुरानी किताब मिली जो कि यर्मिया नबी ने लिखी थी। ये बाइबल की किताबों में से एक है। जब वो किताब पढ़ रहा था तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि खुदावन ने पहले ही पेशनगोई कर दी थी कि बाबल की असीरी सिर्फ 70 बरस तक रहेगी। एक बकिया बाद में यरूशलम को लौटेगा और दीवारों और हैकल को फिर तामीर करेगा। जैसे जैसे वो आगे पढ़ता गया, उसे मालूम हुआ कि 200 वर्ष पहले यसाया नबी ने दरहकीकत इसी फारसी बादशाह का नाम बताया था जो उनको वापसी का हुक्म देगा। अब तकरीबन 69 बरस गुजर चुके हैं, बस एक और साल बाकी रह गया है। ये किताब बताती है कि खोरस खुदा का खादम है जो खुदा की मर्जी पूरी करेगा। वो हुक्म देगा हम अपने मुल्क को वापस जाएं। ऐ हमारे खुदावंद खुदा, कायनात के बादशाह, तू मुबारक है। खोरस ने यहूदियों को उनकी असीरी के 70 बरस बाद आजाद कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के कलाम मुकद्दस में पेशनगोई हुई थी, और 52,000 लोग शहर को दोबारा तामीर करने के लिए वापस आए।
जिस तरह के खुदावन ने इब्राहिम के साथ वादा किया था, इसने ये जमीन हमेशा की मिरास के लिए हमें दी है। इसने हमारे बुजुर्गों को खबरदार किया था कि अगर हम गैर मबूदों की आबाद करेंगे तो वो हमें हमारे दुश्मनों के हाथ में दे देगा, लेकिन इसने अहद किया है कि वो अपने लोगों को कभी ना भूलेगा। खुदावन ने अपना वादा पूरा किया। अब जबकि हम लौट आए हैं, हमें जरूर इसकी फरमानबरदारी करनी चाहिए। हमें मुनज़्ज़म होना चाहिए। हम सबसे पहले दीवारें तामीर करेंगे और उसके बाद हम हैकल का काम शुरू कर सकते हैं। ऐ खुदावन इब्राहिम के खुदा, जैसे तूने वादा किया था तू हमें वापस ले आया है, हमें अपने रास्तों पर चलना सिखा। मैं ताजा पानी लेकर आया हूँ, चलो काम शुरू करें। दानियल बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ वापस ना गया। वो अभी तक एक अहम किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि वो मादी और फारसी सल्तनत के बादशाहों को मशवरे देता था। ये सल्तनतें अब बाबल के शहर में कायम थी। खुदावन ने उसको मुस्तकबिल, हत्ता के आखिरी दिनों के बारे में भी कुछ और रुया जाहर की। एक ख्वाब में उसने लोहे का हैवान देखा। एक फरिश्ते ने उसको उसका मतलब बताया। खुदावन तुझे दिखा रहा है कि आखिरी दिनों में क्या होगा। उसने नबूकदनेस्सर पर जाहर किया कि चार सल्तनतें कायम होंगी। अब तक सिर्फ दो हैं, मादी फारसी सल्तनत के बाद यूनानी सल्तनत आएगी। वो तेजी के साथ फतह करेगी, लेकिन जल्द ही इसको जवाल आ जाएगा और वो चार सल्तनतों में तकसीम हो जाएगी। वो सब एक दूसरे के साथ लड़ेंगी और आखिरकार सिर्फ दो रह जाएंगी। ये कई बरसों तक वक्फे से एक दूसरे के साथ लड़ेंगी। आखिरकार एक चौथी सल्तनत इनको फतह करेगी, और पीतल का ये हवान इसी बात को जाहिर करता है। चौथी सल्तनत लोहे की तरह होगी, पिछली सारी सल्तनतों से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। वो सब कुछ फतह करेगी, लेकिन आखिरी दिनों में ये सल्तनत 10 कौमों में तकसीम हो जाएगी। फिर एक आदमी अमन की बातें करता हुआ बर्पा होगा। ये आखिरी सींग है जो हैवान के सर पर उगा है। आखिरी दिनों में वो खुशामद और अमन का वादा करेगा ताकि फतह और तबाही कर सके। इसके बाद वो यहूदी हैकल के मुकद्दस मकाम में उजाड़ने वाली मकरूह शय को खड़ा करेगा और बकायदा तौर पर इसको नापाक करेगा ताकि कुर्बानियों का सिलसिला रुक जाए। इसके बाद सारी जमीन पर शदीद मुसीबत का वक्त आएगा, लेकिन रास्तबाज छुड़ाए जाएंगे। दानियल, खुदावन चाहता है कि तुझे ये बात मालूम हो कि कब और क्या होने वाला है। हैकल की बहाली और तमीर नौ के हुक्म को 483 बरस गुजर जाएंगे, जिसके बाद मसीह अपने लोगों के गुनाहों को मिटाकर कत्ल किया जाएगा, और इसके बाद हैकल एक दफा फिर तबाह हो जाएगा। ये पेशन गोई पूरी होगी और मसीह ममसूह होगा। गुनाहों की खातर सुलह की जाएगी और इंसान को अब्दी रास्तबाजी बख्शी जाएगी। दानियल के बयान के मुताबिक मसीह बिल्कुल उसी दिन यरूशलम में फातिहाना अंदाज से दाखिल हुआ जब 483 बरस मुकम्मल हुए। खुदावन ने आदम और हवा को बताया था कि औरत की नस्ल में से एक शख्स आएगा और अबलीस का खात्मा करेगा। उसने नूह को बताया था कि मसीह सेम के खानदान में से आएगा, ना कि याफ और हाम में से। खुदावन ने इब्राहिम को बताया कि नजात दहंदा उसके बेटे इसहाक की नस्ल में से होगा। खुदावन ने इसहाक को बताया कि अहद का फरजंद उसके बेटे याकूब में से आएगा, और उसने याकूब को बताया कि मसीह यहूदा में से निकलेगा। खुदावन ने कई नबियों को अहद के नजात दहंदा की जिंदगी के बारे में बड़ी खास पेशनगोइयां दी। उन्होंने कहा कि उसकी खास हजूरी हमेशा तक होगी। वो यहूदा के शहर बैतलहम में एक कंवारी से पैदा होगा। वो हलीम और फरोतम होगा और गधे पर सवार होगा। खुदावंद अपनी रूह उस पर उंडेलेगा और वो गैर कौमों की अदालत करेगा, और गैर कौमों के लिए रोशनी होगा और ज़मीन के सब लोगों के लिए नजात हासिल करेगा। वो रंजाशना मसीहा होगा और अपने लोगों से रद्द किया जाएगा, और जब उसकी मौत वाकई होगी तो उसके हाथों और पांव छीले जाएंगे, उसके कपड़े उतार लिए जाएंगे और उसे प्यास लगेगी, लेकिन पानी की बजाय पीने के लिए उसे सिरका दिया जाएगा। वो चोरों के दरमियान मरेगा और अमीर आदमी की कब्र में दफनाया जाएगा। चार सल्तनतों के बारे में दानियल की पेशनगोइयां बिल्कुल उसी तरीके से पूरी हुई जैसे उसने बताया था।
330 قبل از مسیح میں سکندر اعظم، جس کا تعلق یونان سے تھا، نے ایک مہم شروع کی جو 7 برس میں مکمل ہوئی۔ اس میں اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، جس میں مادی فارسی کی وسیع سلطنت بھی شامل تھی۔ یونان کی طاقت 167 قبل از مسیح تک رہی، اور اس کے بعد چوتھی سلطنت روم نے فتح کا آغاز کیا۔ نبوکادنضر کے خواب کے مطابق روم کو لوہے کے ہاتھوں اور پاؤں سے تشبیہ دی گئی تھی، اور دانیل کی رویا میں اسے پیتل کا حیوان کہا گیا تھا، جو اپنی طاقت اور سرحدوں کو بڑھائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کے نبیوں نے پیشن گوئیاں کی تھیں۔ 5 قبل از مسیح میں اس نے اسرائیل پر لوہے کے ہاتھ کی طرح حکومت کی۔